प्रातः क्लास चल रहा था 30 अक्टूबर 1967। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी हम आत्मा बाप को याद करते हैं, इसी बात में मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति हो जाती है, ऐसे अशरीरी हो बैठे तो कितनी कमाई हो जावे। कैसी स्मृति बताई? आत्मा की इतनी गहरी याद हो कि शरीर भूल रहे। जब अपना ही शरीर भूल जाएगा तो औरों की देह को याद आने का या देह के पदार्थों के याद आने का तो सवाल ही नहीं। मनुष्य रात को कोई कोई 4, कोई 6, कोई 8 घंटा नींद करते हैं। गहरी नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं ना। उस समय में कोई विकर्म नहीं होता है। आत्मा थक करके सो जाती है, फिर ऐसे भी नहीं कहेंगे कि कोई पाप विनाश होते हैं। नहीं, वो तो सुसुप्त अवस्था है। नींद है, विकर्म भी नहीं होता और पाप कर्म भस्म भी नहीं होते। फिर अगर कोई नींद न करे
तो भी पाप ही करते रहेंगे। तो नींद भी एक बचाव है, सारा दिन सर्विस करके आत्मा कहती है मैं अब सोती हूँ, अशरीर ही बन जाते हैं। तुमको भी शरीर होते अशरीर ही बनना है, हम आत्मा शरीर से न्यारे शांत स्वरूप हूँ। आत्मा की ये महिमा कब नहीं सुनी होगी। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। ये परमात्मा की महिमा गाते हैं। चैतन्य है, सुख का सागर है, शांति का सागर। अब फिर तुमको कहेंगे मास्टर शांति के सागर। बच्चों को मास्टर बनना है तो बाबा युक्तियां भी बताते रहते हैं। ऐसे नहीं, तुमको नींद करनी है, नहीं तुमको तो निद्राजीत बनना है। याद में रह करके पाप नाश करने हैं। जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि बाप आए हमारे ऊपर रहम बाबा कृपा करेंगे, तीस अक्टूबर 1967 की वाणी का दूसरा पेज। बाप कोई कृपा नहीं करते हैं। ऐसे तो फिर सबके ऊपर कृपा कर देंगे। ये उनका गायन है रहम दिल बादशाह। और ये भी उनका पार्ट है साकार में। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भक्त लोग ऐसी महिमा गावेंगे। क्या महिमा गावेंगे? भगवान कृपा करते हैं, रहम दिल है, परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। इसलिए दिन प्रतिदिन गीत आदि भी बंद होते जाते हैं। क्योंकि इन गीत आदि में भी भक्ति मार्ग की बातें भरी हुई है। स्कूल में पढ़ाई होती है, गीत गाए जाते हैं क्या? बच्चे शांति में बैठे रहते हैं, टीचर आता है तो उठ करके खड़े हो जाते हैं, फिर बैठते हैं। बाप कहते हैं मुझे तो पार्ट मिला हुआ है पढ़ाने का, तो पढ़ाना ही है। तुम बच्चों को उठ करके खड़े होने की कोई दरकार नहीं है। आत्मा को बैठ सुनना है। हमारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है, तो बाप बच्चों को कहेंगे क्या? मैं क्लास में आया हूं तुम उठो,
नहीं, वो तो भक्ति मार्ग में करते हैं। तुम तो आत्मा हो, भक्ति मार्ग में तुम ऐसे करते थे या नहीं करेंगे? बाप तो खुद ही तुमको उठकर नमस्ते करते हैं। बाप कहते हैं भक्ति छीछी है, भक्ति का कर्तव्य बाप को नहीं करना है। भक्ति रावण से आती है, ज्ञान बाप से आता है। बाप खुद ही बैठे भक्ति के कर्तव्य करे तो ये शोभता नहीं। ब्रह्मानुसार भक्ति से तुम गिरते आए हो, वो काम बाप फिर नहीं करने देंगे। स्कूल में तो बच्चे देरी से आते हैं, या तो टीचर रूल लगावेंगे या बाहर में खड़ा कर देंगे। इसलिए उस स्कूल में डर रहता है टाइम पर पहुंचने का। यहां तो डर की भी कोई बात नहीं है। बाप समझाते रहते हैं, मुरलियां तो मिलती ही रहती हैं, वो मुरलियां रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ी तो तुम्हारी प्रेजेंट पढ़ी, नहीं तो एब्सेंट हो जाएंगे। क्योंकि बाप कहते हैं तुमको गुहे से गुहे राज समझाता हूं। गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, ये तुमको समझाता हूं, इनको नहीं समझाता। इनको माना किनको? कैसे मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है, इससे बात नहीं करता हूं। जैसे छोटे बच्चे बाजू में बैठे होते हैं तो समझदार बड़े बच्चे से बात की जाती है, भले छोटा बच्चा बीच में बैठा हुआ हो इंटरफियर करके भी बोलता रहे, ध्यान थोड़े देते हैं। तो तुमको ये गुहे से गुहे राज समझाता हूं। क्यों? ऐसी क्या बात है? इनको नहीं समझाता हूं और इनके पीछे पीछे आने वाले जो भी फॉलोअर्स साथ में हैं उनको समझाता हूं, उनको भी नहीं समझाता हूं, तुमको समझाता हूं। क्यों? अरे कोई कारण होगा ना, क्योंकि नई सृष्टि की शुरुआत करने में बाप के तुम सहयोगी बनते हो। इनकी बुद्धि में ही वो बातें नहीं बैठेंगी। तुम्हारा जन्म जन्मांतर का ऐसा पार्ट है, कल्प कल्पांतर का। इनका ऐसा पार्ट नहीं है। तो अगर मुरली मिस कर देंगे
तो वो गुई से गुई पॉइंट वाली बात मिस हो जाएगी। कोई कोई पॉइंट्स बहुत अच्छी होती है, सब नहीं उतनी अच्छी होती है। सारी मुरली में एडवांस नॉलेज के पॉइंट सब होते हैं या कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं? है? कोई कोई अच्छे होते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा ने आज बहुत अच्छी मुरली चलाई। वो पढ़ाई तो गवर्नमेंट की है, परंतु यहां है नई बात। जो नई बातें दुनिया में कोई नहीं जानते, तुम्हारे चित्र देख कर ही चक्कर तो हो जाते हैं। कोई शास्त्रों में भी ऐसे चित्र नहीं है। भगवान ने ये चित्र बनवाए थे, तुम्हारी ये चित्रशाला नहीं है। ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनकी ही बुद्धि में ये बात बैठेगी। माना इनकी बुद्धि में नहीं बैठेगी? किनकी बुद्धि में? ब्रह्मा या ब्रह्मा के जो पक्के पक्के फॉलोअर्स हैं तुम्हारी बात भी सुनने के लिए मना कर देंगे। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठेगी। जो देवता बनने वाले होंगे उनकी ही बुद्धि में बैठेगी। क्यों? ब्रह्मा और कृष्ण की सोल देवता बनने वाली नहीं है, है? हाँ, इस जन्म में ये पढ़ाई पढ़ करके डायरेक्ट देवता बनने वाली नहीं है, अगले जन्म में बनेंगे। वो तो बाप से जन्म लेंगे तब बनेंगे। बाप की पढ़ाई से बनेंगे क्या? तुम तो सुप्रीम सोल बाप की डायरेक्ट पढ़ाई से नर से नारायण जैसे बनते हो। तो सब कहेंगे ये बात तो ठीक है। कल पहले भी हमने ये पढ़ाई पढ़ी थी, जरूर भगवान ही पढ़ाते होंगे। गीता में तो भूल कर दी है नाम बदल करके, इसलिए तुम लिखते हो मनुष्यों की गाई हुई गीता से भारत नरकवासी बना। और परमपिता परमात्मा की गाई हुई गीता से भारत स्वर्गवासी, स्वर्ग का मालिक बनता है। फर्क तो हो गया ना? क्या फर्क हो गया? ब्रह्मा के द्वारा जो सुनाया उससे स्वर्ग नहीं बनता है क्या? है? सुनाया सिर्फ, लेकिन सुनना सुनाना भक्ति मार्ग की बात है। भगवान आकर के भक्ति मार्ग का फाउंडेशन नहीं डालता। भगवान तो
सुनने सुनाने के साथ समझाता भी है और प्रैक्टिकल करा के भी जाता है। ब्रह्मा के तन को मनुष्य तन कहेंगे या गॉड फादर कहेंगे, वो मनुष्यों की सुनाई हुई गीता हो गई। मनुष्यों की सुनाई हुई गीता से नरक बनता है और भगवान जो गीता सुनाते हैं उसको कहते हैं गीता ज्ञान अमृत। उस अमृत पी करके देवताएं देवता बनते हैं, तो फर्क तो हो गया ना। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में पहले नंबर की गीता है क्योंकि पहला धर्म ही ये है। फिर आधा कल्प के बाद उसके भी बहुत पीछे, क्योंकि इब्राहिम आया, पहले तो अकेला था, फिर एक से दो, दो से चार हुए। जब धर्म की वृद्धि होते होते लाख डेढ़ लाख हो तब तो उनके शास्त्र आदि बने। उनके भी शास्त्र बनने में आधा समय तो चला जाता है। हिसाब किया जाता है। बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाप से हमको सुख शांति का डायरेक्ट वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बाबा हमारा सारा ज्ञान हमको देते हैं, सृष्टि के चक्र को समझाते हैं। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, सबको बोलो। यहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। जो हिस्ट्री ज्योग्राफी और कोई सिखला ही नहीं सकता, बल वो दुनिया का नक्शा निकालते हैं, परंतु उसमें कहाँ दिखाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, और वो राज्य कितना समय चला। अब दुनिया तो एक ही है, ऐसे नहीं कि देवताओं की दुनिया कोई ऊपर होती है और मनुष्यों की दुनिया कोई नीचे होती है। वर्ल्ड तो एक ही है, भारत में ही राज्य करके गए हैं, अब नहीं है। ये बातें, ये पुरानी हिस्ट्री कोई की बुद्धि में नहीं है। मनुष्यों के पास सिर्फ 2,500 साल की हिस्ट्री है। परंतु भक्ति मार्ग में तो कल्प किया है, लाखों वर्ष लिख दिए। बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। बाप कहते हैं पावन बनना है। पावन बनने के लिए तुमने भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए। अब समझते हो
धक्के खाते खाते 2,500 साल गुजर गए। अभी फिर से बाबा आया हुआ है राजभाग देने के लिए। तुमको तो ये याद है कि पुरानी से नई, नई तो फिर पुरानी दुनिया जरूर होनी। अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए भारत के मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते हैं, दूसरी तरफ भारत की फिर इतनी ग्लानी करते हैं। वो भी तुम्हारे पास ये गीत भी है, तुम लोग समझाते हो कि देखो दुनिया में अब क्या क्या हो रहा है, बच्चों को कोचिंग देने के लिए प्रबंध कर रहे हैं, दिल्ली में म्यूजियम भी खुल रहा है, म्यूजियम में समझाने के लिए बच्चियों को भेज देंगे। बाप तो गरीब निवाज है ना, गरीबों को ही विश्व की बादशाही ही मिलेगी। साहूकार लोग तो मान मर्तबे में आकर के बच्चियों को काम कटारी पर चढ़ाई देंगे, उनकी बुद्धि में बाप का ज्ञान बैठेगा नहीं। कल पहले जो आए होंगे वो ही आएंगे। फिक्रात की कोई बात नहीं है। 30 अक्टूबर 1967 की वाणी का तीसरा पेज। शिव बाबा को कब कोई फिक्रात होती होगी क्या? होती होगी? अच्छा, प्रजापिता को होती होगी है? कभी कभी होती होगी। माना शिव बाबा अलग है और प्रजापिता अलग है। क्या मणि भाई, दोनों एक ही है? तो दो अलग अलग हो तो कहा जाए कि फिक्रात एक को होती होगी दूसरे को नहीं होती होगी। फिर एक ही है तो कैसे कहेंगे? शिव बाबा को कब कोई फिक्रात नहीं होती होगी, ये दादा को होती होगी। दादा कौन? तीन सौ चार सौ यज्ञ में इकट्ठे हुए, मुरली में बोला इनको तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत फिक्रात रहती है। तुम तो हो बेगमपुर के बादशाह, तुमको कोई फिक्रात नहीं। तो प्रजापिता को फिक्रात होती होगी। है? हाँ, उसको फिक्रात होती होगी। मणिलाल को कोई फिक्रात नहीं होती। इन दादा को तो अपना भी फिक्र है ना,
को फिक्र रहता है, हमको जरूर नंबर वन पावन बनना है। तो इसमें है गुप्त पुरुषार्थ। चार्ट रखने से समझ में आता है, इनका पुरुषार्थ जास्ती है। किनका है? अरे इनका कहते हैं तो प्रजापिता के लिए बोलते हैं, प्रजापिता को सामने रख करके बोलते हैं या बाजू में रख के बोलते हैं? सामने रख के बोलते हैं। प्रजापिता को ही अगर बाजू में रख देंगे तो बाकी बच्चों को कहां रखेंगे? बाप हमेशा समझाते रहते हैं, डायरी अपने पास रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं कि चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है। ये चार्ट लिखने की युक्ति बहुत अच्छी है, तो ये युक्ति सभी को करनी चाहिए ना। डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा है। डायरी रखना माना बाप को याद करना। इसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बन जाएगी, पुरुषार्थ होगा। डायरी कितनी लाखों करोड़ों में बनती है नोट आदि करने के लिए। सबसे मुख्य बात यह है नोट करने की, ये कब भूलना नहीं चाहिए। रात को रोज बैठ करके हिसाब निकालना चाहिए, फिर मालूम पड़ेगा कि हमको तो ये घाटा पड़ रहा है। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म हमको भस्म करने हैं, अभी बाप रास्ता बताते हैं, तो अपने ऊपर अपने आप ही कृपा या रहम करना है। डायरी रखेंगे तो अपने ऊपर कृपा व रहम होगा। तुम बाप के लिए थोड़े ही कहेंगे कि कृपा करो। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद व कृपा तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद मांगना, कृपा मांगना या रहम मांगना, मांगने से तो मरना भला। बाप के सूर्यवंशी बच्चे कभी मांगने वाले नहीं होंगे। कोई से पैसा भी नहीं मांगना है। ब्राह्मणियों को तो सख्त मना है, कोई से पैसा मांगना ये भी पाप है। बाप कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार कलप पहले जिन्होंने बीज बोया है, वर्षा पाया है, वो आप ही करेंगे। तुम कोई भी काम करने के लिए कभी मांगो मत। जो नहीं करेगा वो नहीं पावेगा।
मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो भक्ति मार्ग में भी रिटर्न में मिलता है ना। भक्ति मार्ग में भी एक जन्म में दान पुण्य करते हैं तो अगले जन्म में साहूकार के पास या राजा के पास जन्म होता है। यहां भी ऐसे है। बेहद का गांधी मरा, कहां जन्म लिया? राज माने राजा, कोट माने किला, राजाओं के किले में जाकर जन्म लिया। कोई साहूकार कांग्रेसी के यहां तो कहां दान पुण्य किया है? इससे पूर्व जन्म में, अगले जन्म में जाकर जन्म लिया और पूर्व जन्म में माने यज्ञ के आदि में दान धर्म का पुरुषार्थ किया। तो रिटर्न में मिलता है ना। राजा के पास व साहूकार के पास जन्म होता है तो जिसको करना होगा वो आप ही करेगा, तुमको कोई से मांगना नहीं है। कल पहले जिन्होंने जितना किया है ड्रामा उनसे करा देगा, मांगने की दरकार ही नहीं। कोई बुद्धू बच्चियां हैं बुद्धिमान बाप के, बुद्धिमान बच्चियां नहीं है, बुद्धू बच्चियां हैं जो मांगती रहती है। बाबा कहते हिंदी भरते रहते हैं सर्विस के लिए ही है। हम बच्चों को थोड़े ही कहेंगे कि पैसा दो। भक्ति मार्ग की बातें ज्ञान मार्ग में नहीं होती है। भक्ति मार्ग में चंदा मांगते रहते हैं। यहां चंदा आदि मांगकर कोई काम करने की दरकार नहीं है। जिन्होंने कल पहले मदद की है वो करते रहेंगे, आप ही करेंगे तो कब मांगना नहीं है। कोई ब्राह्मणियां आती है, कोई बड़ी ब्राह्मणियां आती है बाहर से तो आपस में बोलती है तुम कितना दोगे? बाबा उनको चरिए खरिए कहते हैं। ये कायदा नहीं है। ये चंदा आदि मांगना करना तुम नहीं कर सकते। क्या ये सन्यासी लोग करते रहते हैं है? अगर करते हैं तो कौन से धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं है? वो सन्यास आदि धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं तो उसका रिटर्न एक जन्म के लिए मिलता है। बेसिक नॉलेज में भी जिन्होंने दिया तो 21 जन्म के लिए मिला या एक जन्म के लिए मिलता है?
अच्छा बेसिक नॉलेज में बेसिक नॉलेज में जिन्होंने जितना दिया वो भी भक्ति मार्ग हुआ। क्यों भक्ति मार्ग क्यों हुआ? नहीं हाँ, एक तो मांगते हैं, दूसरी बात डायरेक्ट बाप को नहीं मिलता है, ब्रह्मा के थ्रू देते हैं, ब्राह्मणियों के थ्रू देते हैं, बाप तो लेने वाला नहीं होता है। और यहां तो डायरेक्ट बाप आया हुआ है, 21 जन्म के लिए वजह मिल जाता है भक्ति मार्ग में, एक जन्म के लिए मिलता है, 21 जन्म के लिए भी नहीं कहेंगे, यहां तो कहेंगे जन्म जन्मांतर के लिए मिलता है, क्योंकि 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ देना तो अच्छा है ना। इनका तो नाम ही है भोला भंडारी। तुम पुरुषार्थ करते हो तो विजयमाला में पिरोए जाते हो। क्या विजयमाला में कौन पी हो जाएंगे? जो भी पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थी बच्चे हैं वो आखिरी इन विजयमाला में पिरोए जाएंगे। भंडारा भरपूर रहेगा, कालकंटक दूर रहेगा। वहां तब अकाली मृत्यु होती नहीं है, यहां तो अकाले मौत हो जाती है। बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में अकाले मौत कौन सी होती है? अभी अभी अच्छे खासे ज्ञान में चलते हैं, अभी अभी पता नहीं क्या हो जाता है, बाप की ही ग्लानी करने लग पड़ते। यहां मनुष्य काल से कितना डरते हैं, थोड़ा भी कुछ होता है तो मौत याद आ जाता है। तुम तो अमरपुरी में चलते हो, ये छी छी मृत्यु लोक है। भक्ति मार्ग में तो है ही बेसमझी की महिमा, बिना समझे महिमा करते रहते हैं। कितना मनुष्य खुश होते हैं, जैसे 32 किरणों वाला चित्र है, कितनी महिमा की बातें लिखी हुई है, कितने प्रकार की बातें लिखी है, कितने गुण लिखे हुए हैं, 32 गुण लिखे हुए हैं। अब गुण साकार में होंगे या बिंदी में होंगे, फिर उन्हें चित्र कौन सा दिखाई दिया है जिसकी महिमा की है? बिंदी निराकार का चित्र दिखाई दिया, इसलिए बोला भक्ति मार्ग में बेसमझी की महिमा करते हैं। तुम ये चित्र नहीं लगा सकते हाँ? बत्तीस करोड़ वाला चित्र नहीं लगा सकते,
अगर लगाते भी हैं तो समझाना पड़े कि ये लिंग है साकार की यादगार और इसमें बिंदु है निराकार की यादगार। जो साकार है वो निराकारी स्टेज वाला है, इंद्रियां जैसे होते हुए भी ना के बराबर। तो भक्ति मार्ग में कही जाती है अंधश्रद्धा। मनुष्य गुणगान करते रहते हैं और कितने खुश होते हैं, हैं अंधे की औलाद अंधे है। 32 करोड़ वाला चित्र लगाते हैं, प्रदर्शनी के चित्रों में बैठ करके जिज्ञासुओं को समझाते हैं भगवान के ये गुण हैं, वो अंधे की औलाद अंधे है। ये क्या बात हुई, ये तो नहीं हो सकता। हो सकता है नहीं हो सकता है? कहते हैं है, होगा नहीं ऐसा। गुरु जिन के अंधे चेले सत्यानाश, हुआ कि नहीं हुआ? अरे कभी हुआ कभी नहीं। ऐसे ही नाम रख दिया है, अंधे की औलाद अंधे। धृतराष्ट्र कैसे थे? अंधे थे। धृत माने धर लिया और राष्ट्र माने धन संपत्ति, धर के बैठ गया। और पांडवों से क्या कहा, तुमको सुई की नोक के बराबर भी स्थान नहीं देंगे। वो तो भक्ति मार्ग की बात हुई, अब ज्ञान मार्ग की बात क्या हुई है? कैसे ज्ञान मार्ग में ये बात साबित होती है? अरे दो भाई थे, कुरु और पांडु। पांडु माने पंडा, रास्ता बताने वाला। यज्ञ के आदि में रास्ता बताने वाला कौन था? कोई था कि नहीं? प्रैक्टिकल में कौन था? प्रजापिता। ब्रह्मा बाबा को तो कहीं रास्ता नहीं मिला, साक्षात्कारों का रहस्य नहीं मिला। गुरु ने भी मना कर दिया। बनारस में गए, वहां पंडित है, विद्वान आचार्यों से करने के लिए डायरेक्शन देते हैं। बाप तो रास्ता बताते हैं, इन चार चित्रों के सामने बैठ जाओ और मत बोलिए। जो भी नया विचार सागर मंथन हो उसको है रात में लिख करके पहले बेच लो, तो वे हमारे भी पहले सो जा देगी। रजिस्टर्ड कोर्ट से भेजा गया चार चित्रों का निचोड़ सारा बुद्धि में बैठता है, लेकिन जैसे रावण जानता था ये राम है, फिर भी जानबूझ कर क्या किया, फिर भी युद्ध करते। अगर राम भगवान है तो मेरे से लड़ाई लड़े, मेरे मान मर्तबा से चक्कर ले, मेरे पास जो बाहुबल है वो तो बाहुबल से मुकाबला करे, तब मानूंगा कि भगवान है। ऐसे ही
जानकारी अंधी नहीं थी, ज्ञान की, जान बूझ करके आंखों पर पत्ता बांधा हुआ अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए कि मैं कुछ नहीं जानती। अंदर अंदर बल चोर बाजारी चलती रही। तो भक्ति मार्ग में है अंधे की और अंधे, उन्होंने तो सिर्फ नाम रख दिया है, इन्होंने भक्ति मार्ग वालों ने, शास्त्रों ने, असली बात कहां की है? असली बात संगम युग की है। तुम हो युधिष्ठिर की औलाद, क्या जो आज से अंत तक युद्ध में स्थिर रहे उसका नाम युधिष्ठिर, व्यक्तिगत में स्थिर रहे और उनका नाम बड़ा कतरा, सारे परिवार की जो भी धन संपत्ति थी ब्राह्मणों की दुनिया में, वो सारी धन संपत्ति धर के बैठी है। फिर गीत बना, आलम को मिला अल्लाह, देखो मेरी बात सही, कौन से देखो बात सही मिल गई, दे माना नंबर दो और अलग माना नंबर वन। तो ये किसी आज नहीं निश्चय हो गया, ये भगवान का कार्य चल रहा है। अल्लाह की मस्ती चल रही और यही का कारोबार सारा किसके हाथ में है? ब्रह्मा के हाथ में यही का सारा कारोबार आ गया। जैसे की बात नहीं मिल रही, तो देखो अभी ये धृतराष्ट्र और ये युधिष्ठिर, ये प्रैक्टिकल में नाम है क्या? कोई ब्राह्मण का नाम ही धृतराष्ट्र, कोई ब्राह्मण का नाम युधिष्ठिर है नहीं? समझने की बातें हैं, अभी तुम समझते हो कि भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है, बस ना के पहनी है। वैसे जब टाइम मनी और एनर्जी करते रहते हैं तो बोलो, आओ तो हम आपको समझा दें कि कैसे ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। ज्ञान किससे आता है? भगवान बाप से आता है ज्ञान, ज्ञान अर्थात जानकारी, सच्चाई, सतयुग की जानकारी कि सत्य खंडे कैसे आने वाला है, वो तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। और अज्ञान इसको जानकारी ही नहीं है, बेसिक वाले भक्ति मार्ग के ब्राह्मणों से पूछो राधा कृष्ण का जन्म कैसे होगा, सतयुग का फाउंडेशन कैसे पड़ेगा, देवताओं की दुनिया कैसे आवेगी, तो क्या जवाब देंगे? ज्ञान है,
जानकारी है, जानकारी ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में तो जानकारी है, इस बच्चे को में होते हैं पूज्य, पूज्य होने का आधार क्या है, क्या थी तुमने सच्ची प्यारी की धारण की। गृहस्थ में रहते तुम विकारों पर विजय प्राप्त करते, कलयुग में तो साफ हो जा रही। जब पुजारी है तो अपनी पूजा क्यों करवाते, एक दिन ऐसा भी आएगा ये पूजा करवाने वाले तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी बातें पढ़ेंगे, पूजा करने वालों को पुजारी भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भ्रष्टाचार से पैदा होते तुम्हारा आधा तंत्र तो बहुत अच्छी तरह पास हुआ है, बाद में नीचे गिरते आए। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे चित्र हैं, होता है जगत द्वापर युग से होता है जगत, जगत माना सारा जगत, सारी दुनिया, उससे पहले सिर्फ भारत होता है। तो जगन्नाथपुरी में भक्ति मार्ग में यादगार बनी हुई गंदे गंदे चित्र लगाए हुए, बाबा तो अनुभवी है ना, चारों तरफ घूमा हुआ है, गोरे से सांवरा बना है, गांव में रहने वाला था, वास्तव में ये सारा भारत गांव है। तुम गांव के छोड़े हो, अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हो, ऐसे मत समझना कि हम बंबई में रहने वाले हैं। क्या? अरे ये बंबई भी स्वर्ग के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। समझते हैं कि यहाँ सर्दी नहीं होती, गर्मी नहीं होती, समंदर के किनारे गर्मी सर्दी होती है क्या? नहीं, परंतु कहाँ स्वर्ग और कहाँ ये मायावी नगरी। माया का पांच सौ कितने साल का होता है, ज्यादा से ज्यादा 100-125 साल। ये बंबई सड़क के आगे कुछ भी नहीं है, एक पत्थर ही नहीं। अभी हम गांव के थोड़े निर्धन के बन गए, अब फिर हम सड़क के मालिक बन गए, तो खुशी लेनी चाहिए। नाम ही है सर, कितने हीरे जवाहरात में अंगों में रहते हैं। भक्ति मार्ग में सोमनाथ का मंदिर बना, कितने हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। पहले पहले सेवकाई मंदिर बनाते, अभी तो भारत गांव है, सचिव में बहुत साहूकार था। ये बातें तुम्हारी सिवाय कोई नहीं जानता। अच्छा,